أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهي يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهي والعزة والله بنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا هي والعزة والله بنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها. वो बचपन से ही बहादुर निडर और बेबाक था। उसे घुड़सवारी तीरंदाजी व तलवारबाजी अपने बाप से विरसे में मिली थी। वो शिकार पर निकलता था तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। वो ताकतवर होने के साथ साथ बला का जहीन भी था और इसी वजह से उसका बाप उस पर भरोसा करता था। उसका ताल्लुक ओगोस तुर्कों के काई कबीले से था। उसके बाप का नाम सुलेमान शाह था। तारीख उसको अर्तुगरुल गाजी के नाम से जानती है। सल्तनत उस्मानिया का बानी सुल्तान उस्मान अव्वल उसी का बेटा था। अर्तुगरुल गाजी 1190 में मौजूदा तुर्की के सूबे बरूसा में पैदा हुआ। जब मंगोलों ने तुर्कमेनिस्तान पर हमला किया तो बहुत से कबीलों ने हिजरत की और एशियाई कोचक की जानिब रवाना हुए। काई कबीले ने शाम के करीब एक इलाके में पड़ाव डाला था, लेकिन ये इलाका सर्दियों के मौसम के लिए साजगार नहीं था। इसलिए अर्तुगरुल का बाप सुलेमान शाह चाहता था कि जल्द से जल्द किसी बेहतर मकाम की जानिब हिजरत की जाए। उसके लिए अर्तुगरुल को हलब भेजने का फैसला किया, जहां पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जानशीन हुकूमत कर रहे थे। हलब के सुल्तान अलाजीज़ के पास सुलेमान शाह एंची के तौर पर अर्तुगरुल को भेजा जाना था, लेकिन उससे पहले एक ऐसा वाकया पेश हुआ जिससे काई कबीले को मुसीबतों में ढकेल दिया। अर्तुगरुल गाजी अपने जानिसारों के साथ शिकार खेलने गया तो वहां उसने देखा कि सलेबी ईसाई कैदियों को लेकर जा रहे हैं। उसने कैदियों को बचा लिया और सलेबियों को कत्ल कर दिया, जबकि कैदियों को कबीले में ले आया। सलेबियों की इस लड़ाई में अनातोलिया पर काबिज सलेबी सरदार तीतुस के भाई को भी कत्ल कर दिया था, जिसके बाद सलेबी काई कबीले के दुश्मन हो गए। जो कैदी वो साथ लाया था उसमें एक बूढ़ा शख्स और उसकी बेटी और एक बेटा था। ये शख्स रूमी सलजूक शहजादा गयासुद्दीन था, जिसे शहजादा नोमान भी कहा जाता था। उसकी बेटी हलीमा सलजूक शहजादी थी और बाद में अर्तुगरुल की बीवी बनी, और उसका भाई शहजादा सईर भी उनके साथ था। उस वक्त तख्त की हिफाजत किसी बगावत को कुचलने के लिए सुल्तान ने अपने भाइयों को कैद कर दिया था, लेकिन शहजादा नोमान काई कबीले के हाथ लग गया था। उसकी बाजियाबी के लिए सलजू गवर्नर ने भी काई कबीले को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन काई कबीले के सरदार ने अपनी रिवायात का पास रखते हुए कैदी उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। जब अर्तुगरुल हलब के अमीर से मिलने गया तो साजिशियों ने कैदियों को सलजूकियों के हवाले कर दिया। हलब में अर्तुगरुल साजिशियों का शिकार हुआ, लेकिन अपनी बहादुरी और जहानत से बच निकला। अर्तुगरुल ने जो इलाका सुल्तान अल अजीज़ से हासिल किया वो सलेबियों के किले के बहुत नज़दीक था, और वहाँ पर रहने का मतलब था कि मौत के मुँह में चले जाना। कबीले के सरदारों ने मुखालफत तो की, लेकिन सुलेमान शाह ने हिजरत की और कबीला अनातोलिया की सरहद पर आबाद हो गया। तीतुस ने अपने भाई का बदला लेने के लिए उन पर हमला किया। काई कबीले ने अर्तुगरुल की क़यादत में उनके किले पर हमला किया। काइयों ने सलेबी किला फतह कर लिया। 1225 में सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद कबीले में सरदारी का मसला सामने आया, लेकिन उससे कबल की कोई फैसला होता मंगोल उन पर हमला कर चुके थे। 1230 में मंगोल तातारी चंगेज़ खान की क़यादत में चीन और ईरान फतह कर चुके थे। मंगोलों की एशियाई कोचक मुहिम का सरवरान नबियान था। उसने तमाम तुर्क कबीलों पर हमला किया और उन्हें रौंदता चला गया। उसने काई कबीले पर भी हमला किया और कबीले को आग लगा दी। कबीले के लोगों ने मुश्किल से जान बचाई और अर्तुगरुल की वालिदा हाइमा खातून और भाई गुलदारू की क़यादत में दोस्त कबीले दुदुर्गा चले गए। दुदुर्गा कबीले का सरवरा अर्तुगरुल का मामू था। उसने उनको रहने की जगह दी और उनकी मदद का फैसला किया।
ارتغرل نے منگولوں کو خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن قبیلے کے عمائدین اور اس کے ماموں اور بھائی نے اس کی مخالفت کر دی، لیکن وہ خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اس کی دور اندیشی نے اسے بتا دیا تھا کہ منگول سکون نہیں کریں گے اور سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ اس نے اپنی بیوی حلیمہ کو سلطان علاء الدین کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سلجوق ریاست میں مقیم ہو سکے اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکے۔ ارتغرل جلد سے جلد سلجوق ریاست میں جانا چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے اناطولیہ کے قریب مغرب کے قریب ایک علاقے کا انتخاب کیا۔ نبیان کے خلاف جنگ کے دوران ارتغرل کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ماموں کی وفات کے بعد اس کا ماموں جاد درگا قبیلہ کا سربراہ بن گیا، لیکن وہ اپنی سوتیلی ماں اور غداروں کے ہاتھوں کٹھ پتلی بن چکا تھا۔ ارتغرل کے قبیلے کا سردار کا انتخاب کیا گیا تو اس کے بھائی گلدارو نے سرداروں کو پیسے دے کر ساتھ ملایا اور سردار بن گیا۔ اس کا سردار بننے کا مقصد تھا کہ وہ ارتغرل کو اناطولیہ جانے سے روک سکے۔ ارتغرل کے بھائی کی پشت پر سلجوق سلطان نامزد وزیر سعد الدین کوپیک تھا۔ سعد الدین کوپیک ایک فتنہ پرور شخص تھا۔ سعد الدین کوپیک سلطان کو مار کر سلجوقی تخت پر بیٹھنے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اسے ارتغرل اس راہ میں رکاوٹ نظر آ رہا تھا۔ ارتغرل نے منگولوں کے سردار نبیان کو جنگ میں شکست دی اور صلیبیوں کے سرحد پر ہجرت کا فیصلہ کیا۔ ارتغرل کو ایک دینی شخصیت ابن العربی کی رہنمائی بھی حاصل تھی، چونکہ ان کے ہر فیصلے پر ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارتغرل کی بہادری کی وجہ سے ترکوں کے تنظیم سفید داڑھی والے شخص بھی اس کے پشت پر تھے اور ان کی مرضی سے بھی وہ صلیبیوں کے قریب ہجرت کرنا چاہ رہے تھے۔ اس نے اپنے بھائی سے بغاوت کی اور اپنے جانساروں، والدہ، چھوٹے بھائی، بیوی اور قبیلے کے 400 افراد کے ساتھ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور اناطولیہ کے مغربی سرحد پر آباد ہو گیا۔ یہاں آباد ہو کر کائی قبیلے کے اس ٹکڑے کا سردار بن گیا۔ نئی جگہ ہجرت کرنے کے بعد حالات سازگار نہ ہوئے اور قبیلے میں فاقے کی نوبت آنے لگی۔ اس دوران ارتغرل کے قبیلے کی خاتون قالین بنانے کا کام کرتی رہیں اور ان قالینوں کو بیچ کر اناج لایا جاتا رہا، لیکن وہ کھانے کے لیے بہت کم تھا۔ مغربی سرحد پر ان کا سب سے بڑا حریف چاوے دار قبیلہ تھا، جن کے سردار جانے دار کے بیٹے اورال نے ارتغرل کی مخالفت کی اور ان کے قالینوں کے قافلے پر حملہ کر کے اس کے سپاہی قتل کر دیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مال جلا دیا۔ اس کے بعد اس کے قبیلے پر مزید مصیبتیں ٹوٹ پڑیں۔ وہ جس بازار میں تجارت کرتے تھے اس بازار کا نام حالنی بازار کہا جاتا تھا۔ وہ بازار آج بھی ترکی میں حالنی بازار کے نام سے موجود ہے۔ اس کا مالک سیمون قسطنطنیہ کے صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ جب ارتغرل کو معلوم ہوا کہ سفید داڑھی والے نے اس جاسوس کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے، ارتغرل نے اپنے سپاہی نورگل کے ساتھ مل کر اس کو بے نقاب کیا اور اس کے خلاف جنگ کر کے حانی بازار پر قبضہ کر لیا۔ اس نے چابیدار قبیلے کے سردار کے بیٹے اورال سے بھی انتقام لینے کا فیصلہ کیا، لیکن امیر سعد الدین کوپیک نے مداخلت کی اور اسے بچا لیا۔ امیر سعد الدین کوپیک چونکہ اس علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، اس لیے اس کی بات کا مانا بہت ضروری تھا، لیکن ارتغرل اس کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس دوران سلطان علاء الدین کا اس علاقے سے گزر ہوا تو حانی بازار کے رومی اور عیسائی تاجروں سے ارتغرل کی ایمانداری اور بہادری کا تذکرہ سنا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ امیر سعد الدین کوپیک سلطان کو برگلایا کہ ارتغرل ریاست کے اندر ریاست بنا رہا ہے اور حانی بازار کو سلطنت کو دینے کے بجائے اس پر خود قابض ہو گیا ہے، لیکن سلجوق سلطان پہلے ہی ارتغرل کا مدعا ہو چکا تھا اور ترکوں کی روایت کے مطابق تلوار سے حاصل کی گئی زمین اس کی ملکیت ہوتا ہے۔ سلطان نے ارتغرل کو اس سارے علاقے کا سردار اعلیٰ بنا دیا اور سعد الدین کوپیک کو واپس کونیا بلا لیا۔ سردار اعلیٰ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ارتغرل کو کارا چائسار قلعے کو فتح کرنے کا حکم دیا، کیونکہ انہوں نے سلطان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان نے اس کو وعدہ کیا کہ جلد سے جلد ایک اپنی فوج اس کی مدد کو بھیجے گا۔ اس سب جنگوں میں چاویدار قبیلے کا اورال بھی ارتغرل کے خلاف رہا، لیکن اس کا بھائی آلیار اور بہن اصلاحان نے ارتغرل کا ساتھ دیا۔ آلیار جان تسانی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس کے بھائی اورال کو ارتغرل نے بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا۔ اس کی بہن اصلاحان کو قبیلے کی سربراہ بنا دیا
और इर्तुगरुल ने अपने सबसे बेहतरीन दोस्त दुर्गुद, जिसे नूरगुल भी कहा जाता है, उससे उसकी शादी करवा दी। लेकिन याद रहे, नूरगुल की पहली बीवी मंगोलों के हमले में जिंदा जला दी गई थी। यूं दो कबीलों में दोस्ती की फिजा पैदा हो गई। इस दौरान एक झड़प में किले का कमांडर वेस्लियस इर्तुगरुल के हाथों मारा गया और नीचे के शहंशाह ने आरएस को गवर्नर बना के भेजा। आरएस ने इर्तुगरुल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जंग रोक दी। लेकिन अमीर सादुद्दीन कोपेक और चावेदार कबीला दूसरी साख के सरदार बहादुर बे के साथ मिलकर उसने इर्तुगरुल के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उसने इर्तुगरुल के बेटे को भी कैद कर लिया और बहादुर बे के साजिशों में मदद की। इर्तुगरुल ने बहादुर को कत्ल कर दिया और चावेदार कबीले का नया सरदार इस्लाहान के सोहर नूरगुल को बना दिया। उससे निपट कर इर्तुगरुल ने सुल्तान की फौज का इंतज़ार किए बगैर ही अपने सिपाहियों के साथ मिलकर किले पर हमला किया और किले पर कब्जा कर लिया। किले का गवर्नर आरएस अपनी जान बचाकर भाग गया और किले पर सलजूक सल्तनत और काई कबीले का परचम लहरा दिया गया। कारा चाईसार किला और हानी बाजार फतह करने के बाद इर्तुगरुल का हर तरफ चर्चा होने लगा। इर्तुगरुल ने किले में अपने भाई सारन को नायक मुकर्रर किया और सादुद्दीन कोपेक की साजिशों से सुल्तान को आगाह करने कुनिया चला गया। कुनिया में सुल्तान को उसने अमीर सादुद्दीन कोपेक के खिलाफ सबूत दिए, लेकिन वो साजिशी जान बचाकर भाग गया। 1237 में उसने सुल्तान अलाउद्दीन और उसके नामजद जानशीन शहजादा अरसलान को कत्ल करवा कर गयासुद्दीन को सलजुक सुल्तान बना दिया। सुल्तान के कत्ल का इल्ज़ाम इर्तुगरुल पर लगा दिया और कैद में डाल दिया गया। इर्तुगरुल को कैद में डालने के बाद सल्तनत पर अमीर सादुद्दीन कोपेक का कब्जा हो गया। उसने कारा चाईसार किले और उस इलाके में इर्तुगरुल की सरदारी ख़त्म करवा दी और गुनाल नामी किलेदार को सरदार आला और किले का निगरा बना दिया। लेकिन जब सुल्तान गयासुद्दीन को जब मालूम हुआ कि उसके बाप को इर्तुगरुल ने नहीं बल्कि उसकी माँ के साथ मिलकर अमीर सादुद्दीन कोपेक ने कत्ल करवाया है, तो इर्तुगरुल को दोबारा सरदार आला बनाया और इर्तुगरुल को आज़ाद करवा दिया। सुल्तान गयासुद्दीन ने अमीर सादुद्दीन को कत्ल करने का हुक्म जारी किया और इर्तुगरुल को ये जिम्मेदारी सौंपी। इर्तुगरुल गुनाल बे को साजिशी शख्स की असलियत से आगाह किया और उसके साथ मिलकर सादुद्दीन कोपेक का खात्मा किया और सल्तनत को दोबारा खड़े करने की कोशिश की। लेकिन उसने गुनाल को कारा चाईसार किले का निगरान ही रहने दिया और खुद कबीले समेत सोगोत हिजरत कर गया। सोगोत वो इलाका था जो उसकी बहादुरी से खुश होकर सुल्तान अलाउद्दीन ने उसे इनायत किया था और उसे आज़ादी दी थी कि वो चाहे तो इर्द गिर्द के इलाके फतह करके अपनी जागीर बढ़ा सकता है। उसने हाली बाजार को भी सलजूक रियासत के हवाले कर दिया और खुद सोगोत हिजरत करने की तैयारी करने लगा। इस दौरान उक्ताई खान ने दोबारा अनातोलिया पर हमला करने का ऐलान किया और नबियान को ये काम सौंपा गया, या तो सुल्तान गयासुद्दीन को इताद पर राजी करे या तो अनातोलिया को तबाह व बर्बाद कर दे। नबियान ने जब सुल्तान गयासुद्दीन को जब दो गुना लगान और अताद का हुक्म दिया तो एक सुलानामा देकर इर्तुगरुल को नबियान के साथ उक्ताई खान के पास सफीर बना के भेजा। इर्तुगरुल की गैरमौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए नबियान की बहन ने काए कबीले पर हमला करने का मंसूबा बनाया, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। नबियान की बहन मारी गई। उधर जब इर्तुगरुल उक्ताई खान के पास पहुंचा, तो उसने अमन मुहैदे पर मुहर लगा दी और 2 साल तक सलजूकियों को मोहलत मिल गई। लेकिन इसी दिन उक्ताई खान मारा गया। उसकी मौत का जिम्मेदार इर्तुगरुल को ठहराया गया, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। नबियान ने उसका ताकुब किया लेकिन नाकाम रहा। नबियान वापस चला गया और उक्ताई खान के बेटे कदन खान को, जो उसका जानशीन था, उसे अनातोलिया पर हमला करने पर तैयार किया, जिसके नतीजे में 1243 में कूसे डाग की जंग लड़ी गई। इर्तुगरुल जब वापस कबीले पहुँच, उसने सोगोत जाने के लिए कबीले को तैयार करने का हुक्म दिया। इस दौरान सोगोत की सरहद पर मौजूद किले के गवर्नर ने सिपाहियों पर हमला किया। उसके जवाबी हमले में गवर्नर को मार दिया और किले पर कब्जा करने का फैसला किया। लेकिन एन उस वक्त नीकिया के शहंशाह का बेटा प्रिंस थ्रिलर बजाते खुद उसके पास आया और उसने शहंशाह की जानिब से माजरत की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके बाद सोगोत में सलीबियों की जानिब से खतरा टल गया और उसने कबीले समेत सोगोत हिजरत कर ली, जो कि अब इर्तुगरुल की जागीर थी। कोसेडांग की जंग में सलजुकियों को पूरी तरह शिकस्त हुई और मंगोलों ने अनातोलिया पर कब्जा कर लिया और इर्द गिर्द के तमाम किलेदार कबीलों के सरदार, यहाँ तक कि सुल्तान भी मंगोलों को टैक्स देने पर मजबूर हो गया।
क्योंकि वो अजीम मकसद को पूरा करने के लिए बड़ी जंग जरूरी थी, लेकिन इस दौरान वो किसी तौर से वस्तुतनियों से जंग का सोच भी नहीं सकता था। मंगोलों की शोरी जारी थी, जबकि कई कबीले के लोग उनसे मिल चुके थे। इर्तुगरुल का सोगोस से कंट्रोल खत्म करने के लिए सलजूक वजीर बहाउद्दीन ने अमरुलू कबीले का सोगोस में बसाने का फैसला किया। अमरुलू कबीले का सरबरा अर्तुगरुल के खिलाफ था, लेकिन उसकी बेटी इर्तुगरुल को पसंद करने लगी और बाद में इर्तुगरुल ने उससे शादी कर ली। सलेबी बागियों ने किले पर कब्जा कर लिया और उनका सरबरा कमांडर रागोस था, जो इर्तुगरुल को सोगोस से निकालना चाहता था। इर्तुगरुल ने बरका खान के गद्दार वजीर को बेनकाब किया और एसेक बोगा भी बरका खान के हाथों मारा गया। इर्तुगरुल ने बरका खान के साथ मिलकर मंगोलों से जंग की। उसने बरका खान को यकीन दिलाया जब वो मंगोलों पर हमला करेगा तो अनातोलिया के तुर्क निशाना बा निशाना होंगे, जबकि सुल्तान जाहिर मलकुल बेबरस के साथ शामिल हो जाएगा। इर्तुगरुल वापस कबीले आ गया। उसने अपने छोटे भाई दुमदार बे को कायम मकाम बनाकर जंग के लिए रवाना हो गया। उस जंग में मंगोलों को शिकस्त हुई। लड़ाई के दौरान ही हलाकू खान अलील हो गया और बीमारी से चल बसा और मुसलमानों को फतह नसीब हुई। बगदाद से खिलाफत अब्बासिया के खात्मे के बाद खिलाफत अब्बासिया काहिरा मुंतकिल हो गई। सुल्तान बेबरस भी वापस मिस्र चला गया और इर्तुगरुल जंग से गाजी बनकर लौटा, इसलिए गाजी उनके नाम का हिस्सा बन गया। वो 1280 में 90 साल की उम्र में सोगोत में फौत हुआ और इसी शहर में इसका मकबरा तामीर किया गया। इर्तुगरुल की बहादुरी और शुजात और इस्लाम की खातिर जिद्दोजहद के निशाने के तौर पर तुर्कमानिस्तान में उसके नाम पर एक मस्जिद भी तामीर की गई।